अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। राजस्थान में शनिवार दोपहर तक कोरोना संक्रमण के 76 नए मामले दर्ज किए जा चुके हैं। अब प्रदेश में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा 3655 पर पहुंच गया है। इनमें सबसे ज्यादा 23 मामले उदयपुर में सामने आए हैं, जबकि जयपुर में 20, अजमेर में 13, जोधपुर में 6, पाली में 4, जालौर में 3, चूरू और राजसमंद में 2-2, जबकि कोटा, दौसा और बाड़मेर में 1-1 पॉजिटिव मरीज की पुष्टि की गई है। प्रदेश में कुल संक्रमितों की संख्या 3655 हो गई है, जबकि कोरोना संक्रमण से मरने वालों की संख्या 103 हो गई है। हालांकि राहत की खबर यह है कि संक्रमण को हराकर 2000 से ज्यादा लोग बिल्कुल स्वस्थ हो गए हैं। प्रदेश में 2026 लोगों ने कोरोना संक्रमण को मात दे दी है। स्वस्थ हुए मरीजों में से 1771 लोगों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। बता दें कि 1,59,157 लोगों का संक्रमण की जांच के लिए सैंपल लिया जा चुका है, जिसमें से 1,52,296 लोगों की कोरोना संक्रमण की रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है, जबकि 3,206 लोगों की संक्रमण की रिपोर्ट आना अभी बाकी है। यह आंकड़े राजस्थान राज्य स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए हैं। बहरहाल कोरोना संक्रमण के सबसे ज्यादा मामले जयपुर में सामने आए हैं। जयपुर में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा 1165 पर पहुंच गया है। रामगंज इलाके में सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित पाए गए हैं और प्रशासन ने पूरा इलाका सील किया हुआ है। रामगंज इलाके में कर्फ्यू लगा हुआ है, जिस वजह से पुलिसकर्मी ड्रोन के जरिए इलाके में सोशल डिस्टेंसिंग और लोगों की आवाजाही पर निगरानी रख रहे हैं। हाल ही में रामगंज इलाके में ड्रोन उड़ा रहे 2 पुलिस मित्रों पर हमले का मामला सामने आया है। संजय बाजार निवासी आकिर कुरैशी ने रामगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाते हुए बताया है कि उनके 2 साथी एचआर कॉलोनी में ड्रोन के जरिए निगरानी और रिकॉर्डिंग कर रहे थे। इसी बीच कॉलोनी के कुछ लोगों ने बाहर निकलकर उनके साथ गाली गलौज करना शुरू कर दिया और मारपीट भी की। पुलिस ने आपदा प्रबंधन, महामारी एक्ट और राजकार्यों में बाधा डालने के अपराध में केस दर्ज किया है। अपराधियों की तलाश की जा रही है। बता दें कि जयपुर और जोधपुर के बाद अब उदयपुर शहर में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। बीते शुक्रवार को भी शहर के एपिसेंटर बन चुके कांजी का हाटा क्षेत्र में 57 कोरोना संक्रमित मिले थे, जबकि शनिवार को भी उदयपुर में 23 कोरोना संक्रमित मिल चुके हैं। इसके साथ ही उदयपुर में कोरोना मरीजों की संख्या 103 पर पहुंच गई है।